माँ कोई तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही है। मैंने कहा था ना, वो साधना करने के बाद मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही है। मैं गड़बड़। शक्ति चलो मेरे साथ, मैं चल के देखती हूँ कि वहाँ गड़बड़ क्या है। मैं नहीं जाने वाला अंदर। हाँ, वो राजवीर की आत्मा ना तुम दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है। मैं जाके मरूंगा नहीं वहाँ पे। तुम जाओ और देखो, इनकी शक्तियाँ जो थी ना वो सब खत्म हो चुकी है। ये कैसे बचाएंगे मुझे? ठीक है, काम करो, माँ को लेके चलो। माँ को गुफा में लेके जाओ, मैं जाके देखती हूँ आखिर बात क्या है। मैं अकेली भी देख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम परिधि को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। उसको पता नहीं कि हम भाई बहन। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं तुम्हारी तरह। चलो। ये राजवीर का अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला? हनुमान जी उसकी रक्षा करना प्लीज, कहीं वो दोनों आत्माओं ने उसे देख तो नहीं लिया। बोलो, ये मंजुलिका, ये मंजुलिका तो अभी मेरे शरीर में आई थी। उसने कहीं राजवीर का मैसेज तो नहीं पढ़ लिया? उसे कहीं हमारे प्लान्स के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? क्या करूं मैं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सौदामिनी को शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हाँ, और वो इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करे, इसीलिए तो मैं आया। इस बार अगर हम नाकाम हो तो मेरे साथ साथ इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। मांजलिका ने मेरे शरीर में आके मेरे परिवार को बहुत चोट पहुंचाई। मेरे हाथों उसने मेरे ससुर जी पर वार किया। मेरे शरीर में आके मेरे राजवीर के साथ कई रातें बिताई। मेरे शरीर में आके ना जाने उसने क्या क्या किया, लेकिन मुझे कभी भी कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन आज हम मांजलिका का विनाश कर देंगे अरहान। हो सकता है ऐसा ना भी। सौदामिनी हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऐसा हो सकता है परिधि। अगर ऐसा हुआ भी तो मेरे ना होते हुए भी तुम उन दोनों आत्माओं का विनाश कर सकती हो। कुछ शक्तियां ऐसी होती जो सिर्फ आत्माओं के पास होती है, इंसानों के पास नहीं। आत्मा जब शूनी में विलीन हो जाती है तो मिट्टी के रूप में अपना अंश छोड़ जाती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरी जगह मिट्टी पाओगी। जैसे ही तुम उस मिट्टी को अपने माथे से लगाओगे, उस दिन से तुम जान जाओगे कि वो आत्माएं तुम्हारे शरीर में घुसकर क्या कर रही हैं या क्या कर सकती हैं। उनके जाने के बाद भी तुम्हें सब कुछ याद रहेगा कि उन्होंने तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके क्या क्या किया। रान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। होगा तो आज उस मंजुलिका का विनाश होगा। हम दोनों मिलकर उसका नामो निशान मिटा देंगे अरहान। तुम बारी। Be happy. उसने मेरा फोन नहीं चेक किया, उसे कुछ नहीं पता। किसका इंतजार कर रही है? राजवीर का या उसके भूत का? तू जानती है ना तेरी माँ ने मेरे पति के साथ क्या किया? मार डाला उसे। मेरे जख्मों को कुरेदने आई है तू? कैसा सवाल है ये? सवाल तो तू बन गई है मेरे लिए। पति मर गया पर मांग में सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र पहन के खड़ी। तेरी आंखों में तेरे पति के मरने का दुख तो नजर नहीं आ रहा? आखिर बात क्या है? पिशाचनी कहती है ना अपने आप को, तो पता कर ले बात क्या है और किस दर्द की बात कर रही है तू? तुझे कभी दर्द महसूस होता है? जब तू मेरे शरीर में आती है मुझे कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, तुझे एहसास है? बिल्कुल चुप। मैं यहाँ तेरे दर्द के दुखड़े सुनने नहीं आई। राजवीर मर गया ना,
अब तू किस काम की है? तुझे भी मर जाना चाहिए। तेरा काम मैं अब इसी वक्त खत्म करूंगी। मार देना। वैसे भी अब तक तुम मुझसे मेरे पति के लिए लड़ती थी, लेकिन अब तो मेरा पति ही नहीं रहा तो मुझे मौत का कोई गम नहीं। अब मौत भी आ जाए ना तो मुझे कबूल है। मार दे बस, तेरा खेल खत्म। क्या हुआ? आना मार मुझे। आखिर ऐसी क्या चीज है जो इसे मुझसे बचा रही है? तो ये तावीज बचा रहा है इसे, वो जिन नहीं बचा पाया तो देखती हूँ कि ये तावीज कब तक बचाता है इसे। राजबीर के बारे में पूछ रही थी, इसका मतलब उसने राजबीर को नहीं देखा, इसका मतलब राजबीर हनुमान मंदिर पहुंच गए। जय बजरंग बली। राजबीर अब तक वापस क्यों नहीं आया? हनुमान जी राजबीर की रक्षा करना, वो दोनों आत्माएं राजबीर को देख ना पाए। परिधि, राजबीर कब तक आएगा? पापा, वो ना किसी काम से बाहर गया है और कह रहा था कि अगर ये काम पूरा हो गया तो हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन राजबीर को 13वीं के बाद ही जाना चाहिए था। जी नमस्ते। हाँ, मैं भव्या। हमने आपको पहचाना नहीं। मैं नताशा की दूर की रिश्तेदार हूँ। कौन है? नताशा भाभी से मिलने क्यों आई है? कुछ दिनों पहले ही उसने मुझे मैसेज किया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। कहाँ है नताशा? अब ये नई मुसीबत कहाँ से आई, क्या बताऊँ इसे? हाँ, वो फ्रेंड से मिलने गई है तो आई नहीं अभी तक। अजीब बात है, चली गई। अगर जाना ही था तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि आज से पहले आप लोगों ने मुझे देखा ही नहीं। अरे देखते भी कैसे, मैं शादी में जो नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, मैं ना आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। जब नताशा आ जाएगी ना तब मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप नताशा भाभी की रिश्तेदार हैं, हमारे लिए यही काफी है। आप उनके वापस आने तक यहीं रुक जाइए। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। चलो।
कहाँ हो तुम? मैं कमरे में हूँ। राजवीर अपने कमरे में? तुम्हें लगता है कि ये सच है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कल तुमने मुझसे कहा था कि राजवीर का भूत तुम्हारे पीछे आया। तुम खिड़की से कूद के गए, फिर भी वो तुम्हारे पीछे आया। तुम यहाँ आ गए पर वो नहीं आए। इसका मतलब तो साफ है, या तो उसके पास कोई ताकत नहीं है या वो कोई भूत नहीं है। तुम्हें कोई डरा रहा है और तुम डर रहे। एक काम करते हैं, मैं यही कहीं छुप जाती हूँ और देखती हूँ कि आखिर वो है कौन जो तुम्हें डरा रहा है। क्या कर रहे हो ये? क्या है, मुझे बाहर क्यों निकाल दिया? अरे तुम पागल हो क्या? बॉटल में चली गई। मान लो वो आत्मा तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हुई और उसने उसने तुमको बॉटल में देख लिया, तो वो तुमको उसी में बंद कर देगी जैसे पिछली बार अंगूठी में बंद किया था। फिर वो तुम्हारे सामने मुझे मारकर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। पहली बात, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो मैं कहीं और छुप जाती हूँ। हाँ, मैं वहां छुप जाती हूँ, उस अलमारी के ऊपर।